अब हिंदी फिल्म इंडस्ट्री के जानकार इस बात से तो वाकिफ हैं कि सनी देओल और आमिर खान के बीच में क्या दुश्मनी रही है और इन दोनों दिग्गज कलाकारों के बीच में दुश्मनी की बजाय इन दोनों की फिल्में रही हैं। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि सनी देओल जो बॉलीवुड के सबसे सफल एक्शन हीरो में से एक माने जाते हैं, तो इन दूसरी ओर आमिर खान का भी एक अलग ही रुतबा रहा है और इन दोनों सुपरस्टारों के बीच में कई बार हमें कोल्ड वॉर भी देखने को मिला। मीटर रिपोर्ट्स की माने तो बॉक्स ऑफिस पर कई बार सनी देओल और आमिर खान की फिल्मों का टक्कर हुआ। ऐसे में एक बार इसी टक्कर के कारण दोनों के बीच में विवाद भी हो गया था और विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ने एक दूसरे से बातचीत करना भी बंद कर दिया था। इतने नहीं बताया तो भी जाता है कि आमिर खान ने कसम खा ली थी कि वो कभी भी अवार्ड फंक्शन में नहीं जाएंगे, जिसे वो आज तक निभा रहे हैं। अब एक साथ फिल्मों के टकराव की वजह से आमिर खान मन ही मन में सनी देओल से नफरत करने लगे थे, तो वहीं दूसरी ओर सनी देओल हर बार उन्हें करारी शिकस्त भी देते थे। लेकिन एक ऐसा भी वक्त आया जब सनी देओल ने आमिर खान की बोलती तक बंद कर दी थी, तो वहीं दूसरी ओर आमिर खान ने सनी देओल की फिल्म का मजाक बनाया था। यह फिल्म कोई और नहीं बल्कि गदर एक प्रेम कथा थी, जिसे 2001 में रिलीज किया गया था। आपकी जानकारी के लिए बताना चाहेंगे कि 15 जून 2001 को गदर एक प्रेम कथा का आगाज हुआ था और इसी तारीख को आमिर खान स्टारर फिल्म लगान का भी आगाज हुआ था। दरअसल दोनों ही फिल्मों की एक साथ रिलीज डेट होने के कारण ये दोनों ही सुपरस्टार काफी ज्यादा एक्साइटेड थे, लेकिन सबके बावजूद आमिर खान ने सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा का मजाक बनाया था। आइए चलिए जानते हैं कि क्या था पूरा मामला। दरअसल आमिर खान और सनी देओल की ये दोनों फिल्में देशभक्ति के जज्बे से भरी हुई थीं। आमिर खान की फिल्म लगान की बात करें तो आशुतोष गवारिकर की यह फिल्म थी और इस फिल्म के लीड हीरो थे आमिर खान, साथ ही फिल्म के निर्माता भी वही थे। 15 जून 2001 को रिलीज हुई यह फिल्म आजादी के पहले की कहानी को दर्शाता है, जिस फिल्म में भुवन का किरदार निभा रहे आमिर खान को काफी ज्यादा पसंद भी किया गया था। तो वहीं दूसरी ओर इसी दिन रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा की बात करें तो इस फिल्म के कर्ता धर्ता थे अनिल शर्मा और अनिल शर्मा के निर्देशन में बनी यह फिल्म भी देशभक्ति के जज्बे से भरी हुई थी। भारत और पाकिस्तान के बंटवारे की कहानी को इस फिल्म में दिखाया गया था, जहां पर तारा सिंह और सकीना की लव स्टोरी को पूरे देश ने पसंद किया था। इस बात में कोई शक नहीं था कि सनी देओल की फिल्म के आगे आमिर खान की फिल्म लगान का कितना बुरा हाल हुआ, लेकिन फिल्म के रिलीज से पहले आमिर खान ने गदर एक प्रेम कथा का मजाक तक बना दिया था, क्योंकि वो इस फिल्म के क्रेज से बहुत ज्यादा दुखी थे। दरअसल होता यूं है कि फिल्म के प्रमोशन के दौरान ये दोनों अभिनेता जगह जगह जाकर फिल्म का जमकर प्रमोशन कर रहे थे, लेकिन आमिर खान ने गदर एक प्रेम कथा के बारे में जो स्टेटमेंट दे दिया था, उससे सनी देओल बहुत ज्यादा गुस्से में आ गए थे। होता यूं है कि एक बार आमिर खान मीडिया से बातचीत करते हुए अपनी फिल्म लगान के बारे में बता रहे थे। इसी बीच एक रिपोर्टर पूछता है कि आपकी फिल्म के साथ सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा भी रिलीज हो रही है, तो आमिर खान यहां पर कहते हुए नजर आते हैं कि क्या गटर एक प्रेम कथा। ये सुनने के बाद वहां पर सभी मौजूद लोग जोर जोर से हंसने लग जाते हैं। फिर आमिर खान कहते हैं, माफ कीजिएगा, मैंने फिल्म का नाम सही से नहीं सुना। फिर रिपोर्टर उन्हें दोबारा से कहता है कि सनी देओल की फिल्म गदर एक प्रेम कथा भी आपकी फिल्म के साथ ही रिलीज हो रही है, तो इस बात का जवाब देते हुए आमिर खान कहते हैं कि रिलीज होने दीजिए, दर्शकों पर डिपेंड करता है कि वो किस फिल्म को पसंद करते हैं। हालांकि मीडिया से बातचीत करते हुए आमिर खान का यह मजाक सनी देओल को बिल्कुल भी रास नहीं आता और वो बहुत ज्यादा गुस्से में भी आ गए थे, लेकिन उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। खैर, समय बीता और 15 जून 2001 को जब इन दोनों फिल्मों का आगाज हुआ तो गदर एक प्रेम कथा ने अपने सफलता के झंडे गाड़े, तो वहीं दूसरी ओर आमिर खान की फिल्म लगान यहां पर दूर दूर तक नहीं नजर आई। सिनेमा घरों में आमिर खान की फिल्म दर्शकों को ढूंढती हुई नजर आई, तो वहीं दूसरी ओर दर्शक ट्रकों में भर भर कर सनी देओल स्टार फिल्म गदर एक प्रेम कथा को देखने जा रहे थे। 2001 में रिलीज हुई फिल्म गदर एक प्रेम कथा में सनी देओल और अमीषा पटेल के अलावा अमरीश पुरी, ओम पुरी और लीलन डुबे लीड रोल में थे। इस फिल्म ने उस समय तकरीबन 250 करोड़ से ज्यादा की कमाई की थी और इस फिल्म का क्रेज इतना था कि लोग ट्रकों में भरकर फिल्म देखने जाया करते थे और कई बार तो टिकट नहीं मिलने पर लोग खूब बवाल भी करते थे। और ये सब देखने के बाद आमिर खान के भी होश उड़ गए थे। उन्हें फिर अपनी स्टेटमेंट पर शर्मिंदा होना पड़ा कि कैसे उन्होंने गदर एक प्रेम कथा को गटर एक प्रेम कथा कह दिया था। खैर, जैसा मर्जी रहा हो, लेकिन आमिर खान और सनी देओल के बीच में तल्खियां कई सालों तक बरकरार रही, क्योंकि इन दोनों सितारों की फिल्में एक साथ कई मौके पर रिलीज हुई। 1990 में भी एक ऐसा समय आया जब आमिर खान की फिल्म दिल रिलीज हुई थी, तो वहीं दूसरी ओर सनी देओल की फिल्म घायल रिलीज हुई थी और इन दोनों फिल्मों के टकराव को लेकर आप सभी जानते हैं कि सनी देओल ने ही बाजी मारी थी। जब जब आमिर खान ने सनी देओल से पंगा लेने की कोशिश की है, तब तब उन्हें करारी शिकस्त ही मिली है, लेकिन आमिर खान थे जो मानने को तैयार नहीं। खैर, मौजूदा दौर की बात करें तो आमिर खान और सनी देओल के बीच में अब सब कुछ ठीक ठाक हो गया है और सनी देओल के बड़े बेटे करण देओल की शादी में सलमान खान और आमिर खान ने शिरकत करते हुए दूल्हा दुल्हन को आशीर्वाद भी दिए। आज के दौर में जहां सनी देओल अपनी फिल्म गदर 2 को लेकर काफी चर्चाओं में है, तो वहीं दूसरी ओर आमिर खान की पिछली रिलीज फिल्म लाल सिंह चड्ढा थी, जो उनका ड्रीम प्रोजेक्ट भी था, लेकिन सबके बावजूद दर्शकों ने इस फिल्म को सिरे से नकार दिया।